तिगड़ी दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में एक हादसा हो चुका है, एक हत्या हो गई है, गोलियां चलाई गई हैं और यहां से बड़ी खबर आई है। मैं ऑन द स्पॉट मौजूद हूं। रात में यहां पर काफ़ी गोलीबारी हुई है, साथ ही यहां पर जो है जनता के अंदर एक दहशत फैली हुई है। कोई भी यहां की आम जनता है वो बताने को राजी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक खबर ये मिली है कि एक युवक को रात को करीबन 9 बजे के करीब गोली मार दी गई है और उस गोली में युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस समय वह हॉस्पिटल में एडमिट है। बाकी की जो खबर है मैं आपको अगली रिपोर्ट में दूंगा। अभी मैं स्पॉट दिखा देता हूँ जिस स्पॉट पर यह कार्रवाई हुई है। ये वही स्पॉट है जिसको कि पुलिस ने राउंडअप किया हुआ था। यहाँ पे जो जिस युवक के गोली लगी है वो युवक यहीं पर था और यहीं मौजूद था, लेकिन पानी गिरने की वजह से यहाँ से वो स्पॉट मिट चुका है। बाकी मैं दिखा देता हूँ ये कितना एरिया पुलिस ने कवर किया था। यहाँ पर भी दिल्ली पुलिस ने अपने पट्टी लगाई हुई है और इसके साथ मैं आपको वो स्पॉट दिखाऊंगा जहाँ पर वो कार्टेज गिरे हुए हैं जिससे गोलियाँ चली हैं। वो कार्टेज खाली खोके जो गिरे हुए उसका भी राउंडअप पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया है। ये आप सामने देख रहे हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा थोड़ा आगे बढ़कर ये स्पॉट दिखा दिया जाए। ये जो स्पॉट है इस स्पॉट पे वो कार्टेजेस गिरे थे और यहां पर काफी भारी दहशत फैली हुई है और हम जानने की कोशिश करते हैं यहां के लोकल बासिंदों से। वैसे दहशत का माहौल बना हुआ है, अभी तक यहां पर कोई भी कुछ कहने के लिए नहीं है, कोई भी कुछ कहना नहीं चाह रहा है। फिर भी हम एक बार कोशिश करेंगे, कोई कुछ कहना चाहेगा, आप लोगों में से कोई कुछ कहना चाहता है, कल रात की जो यहां पे भयानक वारदात हुई है उसके विषय में कोई जानकारी देगा। तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा दहशत का माहौल बना हुआ है। इसके बेटा नहीं तो मैं बतौना कहा रहा पर आदमी मार दिया रात को गोली से। जो 9 बजे से लेकर 10 बजे तक के बीच में जो गोलीकांड हुआ है, इस गोलीकांड के अंदर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। अभी हाल ही के मिली सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है। बाकी दो युवक और हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हैं। एक के दिमाग में यानी कि मस्तिष्क के ऊपर के हिस्से में गोली आर पार है, वो इस समय संवेदनशील हालात में हॉस्पिटल में एडमिट है। आप थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को कि क्या क्या वाक्या था, पूरा किस तरीके से ये हुआ? ये दूध कड़बा लेने के लिए गया था, टीवी देख रहा था, टीवी देख के आया, मैं बोली भाई ले दूध कड़ब्बा ला दे, तो वो दूध कड़ब्बा लेने के लिए गया था। अब किसी और लड़के से लड़ाइयाँ हो रही थी वहाँ पर खड़े हुए, तो हमारा भाई तो जा रहा था दूध कड़ब्बा लेने के लिए, तो उधर से सामने से गली में से लड़के आए, कई लड़के फायरिंग करते हुए आए एकदम से, तो फायरिंग करते हुए आते में एकदम हमारे भाई की गोली लगी जी। इन लोगों का तो आए दिन का ही आतंक है, यहाँ ऐसा कोई घर नहीं है जो कि ये हुसैन चौक के लड़कों ने इन लोग इधर के आने वालों को मारा नहीं है। ये तीन बच्चे मेरे किसके ऊपर है, ये मुझे इंसाफ दिलाइए कि किसके ऊपर है तीन बच्चे मेरे, लेकिन मुझे अभी इंसाफ नहीं मिला। मैं भी ये चाहती हूँ कि भाई मुझे इंसाफ मिले, मेरे भाई को इंसाफ मिले इस चीज का। अच्छा, कल वाली जो गोलीकांड था उससे आपका क्या मतलब ताल्लुक है? भाई ताल्लुक ये है कि ये लोग शुरू से ही आतंकवादी हैं, ऐसे समझ लो। इन पे तो हथियार 24 घंटे पुलिस वालों के सामने पिस्तने निकाल के चलाना इनका रोज धंधा है ये। अब हम बात करते हैं इनके परिवार से। दो सदस्य हैं जिनके गोलियां लगी हुई हैं, एक की मृत्यु हो चुकी है और दूसरे जो हैं वो अभी गंभीर रूप से घायल हैं, उसका ये आराम से हमें पूरा जायजा देंगे। सबसे पहले सर ये बताइए जिनकी मृत्यु हुई है उनका नाम क्या था, उनका कारोबार क्या था? उनका नाम मोहम्मद आबिद हुसैन था, जिसका कारोबार इस टाइम कप गिलास का क्रोकरी का काम था और ड्राइविंग कर रहे थे। कितनी गोलियां लगी हैं जो आपके घर के हैं? वो उनके घर पे करीबन 7 गोलियां और कई चाकू लगे हैं और डंडे मारे हैं। इनकी मृत्यु हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। और इनके बेटे के, इनके भाई के? एक गोली लगी है सीधे माथे पे। उसके अलावा और कौन थे तीसरे? दूसरे भी मेरे बहन हुई है उस टाइम मौजूद ही थे, उनके भी टांग में लगी है गोली। अभी वो भी गंभीर हालत में है वो भी। उनका कारोबार क्या था जिनके टांग में? कारोबार वो तो उनके बच्चे करते थे, छोटे छोटे पार्टी वगैरह का काम करते थे, पार्टी में वेटर वगैरह का काम करते थे। तो लेकिन आप लोगों के जो कारोबार है कोई ऐसा भी नहीं है कि हाई प्रोफाइल काम हो आपके, तो आपका इन लोगों से जो जो भी गैंग्स है, क्योंकि भाई इतने सारे बड़े पैमाने में दर्जनों की तादाद में ये लोग हथियारबंद आए हैं और गोलियां चलाई हैं, 2-4 लोगों को मारा है, ताबड़तोड़ गोलियां चल रही, तो इन लोगों से आप लोगों की क्या दुश्मनी हो सकती है? इन पर कोई दुश्मनी नहीं है, तो आए दिन यहाँ ऐसे ही करते रहते हैं, किसी को भी मार देते हैं, यहाँ आके किसी को भी मारते हैं, किसी को भी कुछ भी करते हैं, अंधाधुंधी फायरिंग चलाते हैं आके। सिर्फ दहशत फैलाना इनका काम है? फैलाना इनका काम है, अपने से एरिया में राज करना चाहते हैं कहते पूरे यहाँ सब में। तो हम ये चाहते हैं हमें इंसाफ मिले, CBI से इसकी जांच हुई जाए। तो दोस्तों ये पूरा वाक्या जो था उसकी बात करने के लिए हम सीधे पहुंचे थे तौफीक जी के पास। ये हमारे बीच तौफीक जी मौजूद थे। इनके जो बहनोई हैं उनकी हत्या कर दी गई है, दूसरे बहनोई के टांग में गोली लगी है, साथ ही ये जो यहाँ पे महिला बैठी है इनके भाई के
सिर में गोली लगी हुई है और ये पूरा वाक्या कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा पेचीदा और संवेदनशील है। और मैं इन्हें दिखा रहा हूँ आपको, ये जो टांग में जो स्पॉट्स हैं ये जो हैं ब्लड के स्पॉट हैं, कल रात के अभी भी ये ब्लड स्पॉट्स हैं ना, नहीं हटे हैं। साथ ही यहाँ पे एक युवक मौजूद और हैं जो कि ऑन द स्पॉट थे, इनके पैर में भी वो ब्लड स्पॉट्स लगे हुए हैं कल के, ये ब्लड स्पॉट कल के। अब हम बात करते हैं इनसे, ये चश्मदीद हैं और क्या कहानी रही है, क्योंकि ये मौके पे मौजूद थे, इनके ब्लड के जो रेसेस हैं वो भी हैं। सर क्या क्या वाक्या था कल पूरा? देखो जी, मैं तो सीधी बात जानता हूँ, मैं आ रहा था उधर से, लड़का डोलची लेके आ रहा था तो उसके गोली मारी है यहाँ से, सही है, उसके बहुत ज़्यादा गोली लगी है। और फिर मैं उठा के उसको लेके गया हूँ, लड़के को अपने हाथों से उठा के लेके गया हूँ, मेरी चप्पल भी टूट गई। अच्छा, जिस समय गोली लगी उस समय आप वहीं मौजूद थे? हाँ जी, मैं उधर से आके यहाँ पे बैठा था, जैसे ही गोली लगी है फिर आके यहाँ पे 2-3 फायर करी हैं लड़कों ने, सही है। यहाँ पे फायर करने के बाद अंदर जाके गली में उन्होंने फायर करी है, सही है। उन 4-5 लड़के थे और उन्होंने माउजर ले रखी थी, ब्लैक कलर की माउजर थी उनके हाथों में, ब्लैक कलर की, 4 लोगों ने, हाँ ब्लैक कलर की माउजर थी। और पार्क में भी यहाँ पे भी गोली चलाई है उन लोगों ने, है ना, यहाँ पे भी गोली चलाई उन लोगों ने। तो ये इस तरीके का क्या इन जीजी कैंप्स में ये वाकया होता ही रहता है? तो ये चाहता हूँ, हाँ जी यहाँ पे ये वाकया ऐसा होता रहता है, चाकू छुरी और गोली ये सब तो यहाँ पे चलती रहती हैं जी। बस इसके लिए ये चाहते हैं हम, हमारी फैमिली को सपोर्ट दो, सही है, नहीं तो मोदी की सरकार हटाओ। अच्छा, लेकिन अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इस जो जे कैंप पूरी कैंप के अंदर बड़े पैमाने पे असला एकत्रित हो चुका है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब ये हथियार निकलते हैं। हाँ जी, यहाँ पे असला बारूद सब कुछ रहे, सब सबके पास है। इस घरों में कोई घर ऐसे होंगे जिनके पास नहीं होगा, नहीं तो सबके पास है। और अभी फिलहाल हाल फिलहाल में आप ये जो वाक्या हुआ है, इसमें सरकार से और हमारे शासन प्रशासन से क्या उम्मीद चाहते हैं? मैं तो ये उम्मीद चाहता हूँ कि जी ऐसा है कि हमारी बहन बेटी, हमारे भाई लोग सब एकदम इज्जत से रहें और सब सपोर्ट में रहें। इसके लिए आप लोग जो करना चाहते हो वो करो, नहीं कर सकते हो तो कोई सरकार नहीं है, कोई किसी चीज का कोई महत्व ही नहीं है। कौन से कब्रिस्तान में जा रहे हैं? आबिद जिनकी की कई चाकू और कई गोलियां मार के हत्या की गई है, उनकी अंतिम यात्रा इस समय है। काफ़ी बड़ी पैमाने पे यहाँ पे लोग मौजूद हैं और यहाँ पे मातम का माहौल पसरा हुआ है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मातम का माहौल है। महिलाएं बहुत ही ज़्यादा, आप देख रहे हैं, महिलाओं की दशा बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये सीधी रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव, बेहोश भी हो रही हैं। ये बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना, दुखद संवाद घटा है इस क्षेत्र के अंदर। और बड़े पैमाने पे ये जो है, जो कहीं ना कहीं हम बात करें तो किसी ना किसी गैंग वॉर का अंदेशा लगता है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे ये हत्याएं हो रही हैं, गोलीबारी चल रही है। इस गोलीबारी के बारे में 1-2 यहाँ के लोकल लोग हैं, इनसे जानते हैं किस तरीके से ये क्या घटनाएँ हैं। नहीं पता, आपको नहीं पता, आप कुछ बताएं किस तरीके से क्या घटनाएं घट रही हैं? ये घटनाएं क्या, गोलियां चल रही हैं यहाँ पे, क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ता ही चला जा रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, और क्या होगा। अभी ये हाल फिलहाल में ही दूसरी तीसरी घटना ही है, लगभग 2-4-6 महीने पहले भी कभी यहाँ पे गोलीकांड हुआ था। हाँ, अभी हुआ था। क्या इसका उसी से रिलेशन तो नहीं है इस हत्या का? नहीं नहीं नहीं, वो अगल है। अच्छा, वो अगल है, ये अगल है। सीबीआई जांच चाहिए मुझे। मक्खन सिंह ने माखन लाल ने फोन करके बुलाया था। मेरे 5 बच्चे हैं, 4 बेटियां, एक छोटा बेटा है मेरा। सीबीआई जांच चाहिए मुझे।
सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप देख रहे हैं जो मृतक हैं उनके ये छोटे छोटे 5 बच्चे हैं और इन लोगों का साफ कहना है कि हमारे घर में कमाने वाला एक ही सदस्य था, इन 5 बच्चों का कैसे लालन पालन होगा। हमें पापा के लिए इंसाफ चाहिए। 500 से 1000 के करीब जनता मौजूद थी जिसमें महिलाओं का कहना साफ है कि हमें सीबीआई जांच चाहिए। बहन का लड़का है ना मेरी, उसने पुलिस वालों ने उसके साथ लेके जब बुलाया तो फोन करा मेरे भांजे को, कैसे ऐसे के तू बुला, जब तेरे खालू है, तेरे कहने से आई, तेरी खाला है ये। मेरे भांजे ने फोन करा पुलिस वालों ने, कह रहा था जब जे गए थे 3 नंबर पार्क में। मैं बाहर का कुछ भी नहीं करती, घर में रोटी सब्जी बनाती हूँ। 4 बेटों के साथ मेरे 5 बच्चे हैं, कौन पालेगा। पूरे वाकया पे हमने नजर डालने की कोशिश करी और हमने बात करने की कोशिश करी डीसीपी साहब से, लेकिन अभी अभी फिलहाल में ही डीसीपी साहब निकल चुके हैं शमशान घाट जिसे कहा जाता है कब्रिस्तान, वहाँ पर ये लोग गए हुए हैं और काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पे दलबल तैनात है और काफ़ी बड़े पैमाने पे इस क्षेत्र में ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती रही हैं। आम जनता से ये महसूस हुआ है जानकारी हासिल करने के बाद कि इस तरीके की घटना आए दिन होती रहती हैं। तो क्या हमारी सरकारें लाचार हो रही हैं, क्या हमारे शासन प्रशासन लाचार हो रहे हैं, ये एक सवालिया निशान खड़ा कर देता है। इस तरीके की निर्मम हत्याएँ जब भी होती हैं किसी भी क्षेत्र के अंदर, आप लोगों ने देखा दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र के तीड़ी का ये निर्मम हत्या मामला, इस पूरे मामले पे जो रोशनी डाली गई देखा गया तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अंदेशा लगाया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गैंगस्टर या फिर गैंग पनप रहे हैं या फिर ये आपसी रंजिश में, इसके ऊपर अभी तफ्तीश चल रही है और जितना भी हमारा प्रशासन है पूरा दलबल के साथ लगा हुआ है, पूरी छानबीन कर रहे हैं। बाकी अभी डीसीपी साहब निकल गए हैं, उनसे हम बात नहीं कर पाए हैं, पूरा वाकया मैं आपको दिखा चुका हूँ लाइव रिपोर्ट में। इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप सालदी को दें इजाज़त और देखते रहिए GSS News। जय हिंद, जय भारत।